नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। रक्षाबंधन के दिन भाई अपने बहनों को तोहफा तो देते ही देते हैं, लेकिन इसे बेच परिवहन विभाग के द्वारा भी रक्षाबंधन के दिन यानी 22 अगस्त के दिन के लिए महिलाओं के लिए बड़ी सौगात लाई गई है। जी हम आपको बता दें कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम सिटी बस सर्विस के द्वारा जो है महिला अगर कहीं भी सफ़र करती हैं तो वो फ्री में सफ़र कर सकती हैं, उनके लिए उन्हें कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही साथ इसके लिए ये निर्देश जो है वो जारी किया गया है कि उस पूरे दिन में महिला जो चाहे बस में अगर सफ़र करना चाहती हैं तो उसके लिए उन्हें कोई भी पैसे नहीं देने होंगे, वो कहीं भी फ्री में आ जा सकती है। इसके लिए परिवहन विभाग की मंत्री शीला कुमारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सिटी सर्विस की बसों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने एवं सुरक्षित सफर के लिए रक्षाबंधन पर विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी। रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं की निःशुल्क यात्रा के लिए कई संगठनों द्वारा अनुरोध भी किया गया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल का इसी में कहना है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा राजधानी में कुल 125 सिटी सर्विस की बसों का परिचालन किया जा रहा है, जिसमें से 70 ऐसे बसें हैं जो सीएनजी हैं और 17 बसें इलेक्ट्रिक बसें हैं। इन सभी बसों में रक्षाबंधन के दिन महिलाओं और युवतियों के लिए बस सेवा जो है वो पूरी तरीके से फ्री रहेगी। इसी बीच हम आपको बता दें कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक श्याम किशोर के अनुसार सिटी बसों में सफ़र करने के लिए महिलाओं को जो मंथली पास थी उसमें पहले से ही विशेष छूट जो है वो दी जा रही है, और इसके साथ ही साथ सभी बसों में 65% सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है और महिलाएँ बस में सुरक्षित रह सके इसके लिए CCTV जो कैमरे हैं वो भी लगाए गए हैं, जिससे महिला जो है पूरी तरीके से बस में सुरक्षित है। तो इस तरीके से परिवहन विभाग की तरफ से सौगात दी गई है महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, कि रक्षाबंधन के दिन अगर महिलाएं कहीं भी अपने भाई को राखी बांधने जाती हैं तो उसके लिए उन्हें कोई भी शुल्क नहीं देना होगा, उसके लिए वो फ्री में जा सकती हैं। पूरे 22 अगस्त यानी पूरे दिन में महिलाएं कहीं भी आ जा सकती है। इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।